Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have the studying here very important and intellectual points. बहुत ही आनंद जो है आनंद पूर्वक विषय हम आपको आज बताने चल रहे हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अभी अब तक हम पढ़ते थे कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, जीवन की उत्पत्ति क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. आज हम उसका डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. फिर हम बताएंगे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, मीन्स ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति कैसे हुई. सबसे पहले हम आपको बताते हैं अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ. सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा, हमारा शीर्षक होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके पहले मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो पार्ट वन मैंने अपलोड किया उसमें सिर्फ मैंने आपको मैथोलॉजिकल वे बताया है, धार्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर जो है कैसे कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है यह मैंने बताया आपको. आज हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आपको बताने चल रहे हैं. वैज्ञानिक पद्धति मैंने 6 फेजेस को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है अपने इसी चैनल पर अलीमुद्दीन शेख कादरी के यूट्यूब चैनल पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आज हम आगे का टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे, ह्यूमन कैसे इवोल्यूशन किया और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या आया. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले इस विषय में अगर डिस्कस करने का श्रेय किसी साइंटिस्ट को जाता है. ओरिजिन ऑफ लाइफ ये कहां पर हुई? ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोरजिंग सी वाटर में हुई, रुके हुए जलाशयों में हुई. रुके हुए जलाशय से हमारा अभिप्राय यह है कि ऐसे जल जो कि रुका हुआ हो, स्टोरजिंग वाटर, पॉन्ड्स वाटर, सी वाटर, नॉट बी रनिंग वाटर एज जस्ट लाइक ए रिवर बट स्टोरजिंग वाटर, जो रुका हुआ जल होगा उसी के अंदर यह देखा गया कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से कैसे हो रही है और कहां पर हो रही है. तो आइए एक एक करके हमें उसका डिस्कस करते हैं. मैंने पहले ही बताया था सबसे पहले इस पृथ्वी पर इनऑर्गेनिक मालिक्यूलों का फॉर्मेशन, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक यौगिक बने, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल बने, इनऑर्गेनिक मालिक्यूलों का कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने. कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जब कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना उसके बाद फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मेथेन बन गया, एथेन बन गया, प्रोपेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, हेक्सेन बन गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसके बाद आइए देखते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंडों के फॉर्मेशन के बाद अगर हम डिस्कस करें कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, एक जटिल कार्बनिक यौगिक बनेंगे. ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिकों में हम पढ़ते हैं ये ट्राइओज बने हैं, टेट्राओज बने हैं, पेंटोज बना है, हेक्सोज बना है, हेक्साओज, हेक्सोज 6 कार्बन वाले हेक्सोज सुगर, हेक्सोज मॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन है. हेक्सोज के बाद फिर हम पढ़ते हैं अब ये हेक्सोज बन गए तो इन हेक्सोजों का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलीसैकेराइड बनना शुरू, मीन्स मोनोसैकेराइड से अब पॉलीसैकेराइडों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. यहाँ पर देखिएगा जब पॉलीसैकेराइड बन गए, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड है, पॉली में मीन्स मेनी. अब सरकार के कई मॉलिक्यूल आपस में आकर के कंबाइंड हो रहे हैं, कंजॉइंट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं. ऐसी कंडीशन में यहां पर ये जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि कोसरवेट्स का फॉर्मेशन है. तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द कोसरवेट्स? व्हाट आर कोसरवेट्स? मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट आर कोसरवेट्स, क्या है ये कोसरवेट्स? कोसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स. कोसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स. कोसरवेट्स प्रोकैरियोट की सबसे प्रारंभिक इकाई है जिसका मैंने अब जो है फिगर आप देखिएगा ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं कि कोसरवेट्स क्या है. तो कोसरवेट्स यह है कोशिका की प्रोकैरियोट्स की एक प्रारंभिक यूनिट है, प्रिमिटिव यूनिट है प्रोकैरियोट की. ऐसी कंडीशन में अगर कोसरवेट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, कोसरवेट को प्राप्त कर लेते हैं, अब कोसरवेट जब बन जाती है तो इसका मतलब प्रोकैरियोट बन जाते हैं और प्रोकैरियोट के बनने के बाद यूकैरियोट बन जाती है. यूकैरियोट मींस मॉडर्न, कैरियोट मींस न्यूक्लियस. मॉडर्न न्यूक्लियस के द्वारा जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसको यूकैरियोटिक सेल बोला जाएगा. तो आइए यहाँ पर डिस्कस के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया, निकाल दिया, आपकी समझ में आ जाना चाहिए प्रोकैरियोट क्या, यूकैरियोट क्या. माय डियर फ्रेंड, प्रोकैरियोट मींस होता है प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस. प्रिमिटिव कैरियन, प्रिमिटिव मींस प्रारंभिक, कैरियन मींस न्यूक्लियस.
प्रारंभिक केंद्रक द्वारा निर्मित कोशिका को हमने कहा यह प्रोकैरियोट्स है। क्या कहा हमने? प्रोकैरियोट्स है। और यूकैरियोट्स के विषय में आइए देखते हैं। यूकैरियोट्स के विषय मैंने कहा कि यू मींस मॉडर्न, कैरियन मींस न्यूक्लियस। मॉडर्न न्यूक्लियस के द्वारा बनी हुई कोशिका को हम कहेंगे ये यूकैरियोट्स है। तो यहां पर मैंने दो टॉपिक क्लियर किए। एक टॉपिक को मैंने कहा कि ये प्रोकैरियोट है और दूसरे टॉपिक को मैंने कहा कि ये यूकैरियोट है। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोकैरियोट के बनने से पहले क्या बना था? कैसरवेट्स। आइए देखते हैं कैसरवेट कैसे बना। इसके लिए जो है कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट के विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एआई ओपेरिन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एआई ओपेरिन का जो एक्सपेरिमेंट रहा है, और सर जेजीएस होल्डन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, और जेजीएस होल्डन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है 1929 को किया। 1929 मींस 1929 को, 1929 को अपना एक्सपेरिमेंट किया होल्डन ने। हेल्डन के एक्सपेरिमेंट के बाद यह क्लियर हो जाता है कि विदाउट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द एनिमल्स हैव कैन देयर बॉडी द बॉडी ऑफ एनिमल्स हैव कैन नॉट बी मेड। विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द बॉडी ऑफ एनी एनिमल्स हैव कैन नॉट बी मेड। इसका मतलब यह हुआ कि बिना ऑर्गेनिक यौगिकों के मिले किसी भी प्रकार के जीव के शरीर की संरचना जो है उत्पन्न नहीं हो सकती, बन नहीं सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि बिना किसी जीव के कोशिका के निर्माण की संरचना के हम कैसे जीव बना रहे हैं। इसी को मैंने कहा कि आप प्रोकैरियोट की सेल में आते हैं। किसको कहा? प्रोकैरियोट की बात है, प्रिमिटिव कैरियन में आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिमिटिव कैरियन के विषय में बताने चल रहा हूं कि प्रोकैरियोट कैसे बनी है और कहां पर बनी है। इसके लिए मैंने कहा कि हेल्डन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। हेल्डन ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है वो स्टैनले मिलर का आता है। और स्टैनले मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया है, वह स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट 1953 में दिया है। 1953 में स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया है। तो आइए देखते हैं 1953 में जब स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो किस प्रकार से दिया, ये एक एक करके उसको समझा जाए, देखा जाए। स्टैनले मिलर ने जो थ्री मिक्सर ऑफ गैसेस को लिया है, जिसमें ऑर्गेनिक गैसेस क्या है, इनऑर्गेनिक गैसेस क्या है, और इनको लिया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन गैस लिया गया है, अमोनिया को लिया है, और मेथेन को लिया है। और मैं इनका कॉम्बिनेटिंग रेशियो आपको बता देना चाहता हूं कि अमोनिया जो है ये यहाँ पर अमोनिया NH3 या 2 का है, हाइड्रोजन जितना लिया गया उतना ही मीथेन लिया गया है। इसका सिंपल सा रेशियो निकल गया 1:2:1, मीन CH4 NH3 H2। मेथेन CH4 NH2 H2 मीन्स थ्री गैसेस को लिया। कौन कौन सी गैसेस है? मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन गैस है। इन गैसों को लिया, और उसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही बता दिया इस पृथ्वी पर काफी मात्रा में स्टोरेजिंग वाटर था। जब यह पृथ्वी ठंडी हुई तो ठंडी होने के पश्चात मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है स्टोरेजिंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोर हुआ। और इसी पर मैंने कहा कि जहां पर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज हुआ उसी को मैंने कहा कि सी है, समुद्र है। और जहां पर अर्थ कंस्ट्रक्ट कर गई, सिकुड़ गई, वहां पर विशालकाय पर्वत बन गए। तो पावर ऑफ एक्सपेंशन एंड पावर ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है तो विशालकाय समुद्र बन जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो विशालकाय पर्वत बन जा रहे हैं। इन दोनों ही क्रियाओं के द्वारा आइए देखते हैं, तो जब ये समुद्र बन गया, समुद्र बनने का अर्थ हो गया को पानी से पूरी तरह से भर गया, वह जलमग्न हो गया। अब यह जलमग्न हुआ, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, तो ये कहने का से रहा कि पानी भरा हुआ है, सेकेंडरी टेम्परेचर हाई है। मैंने दो चीजों को ध्यान में रखा, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पानी पहले से ही भरा हुआ है। सेकंड थिंग मैंने बताया कि वाटर के फिलअप होने के बाद क्लाइमेट का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा मिल रहा है, वाटर का अमाउंट भी है। अब दो चीजें मिल गई आपको। अब आइए ऑर्गेनिक जो है केमिकल को देखा जाए, और उनमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहे और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेरी सिंपल कंपाउंड लिया जा रहा है, वो क्या है? मीथेन। ये सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंडों में फॉर्मेशन में आया, ये मीथेन बना। इनऑर्गेनिक में अमोनिया है और हाइड्रोजन कंपाउंड है। तो अमोनिया गैस हो गई और हाइड्रोजन गैस हो गई, और तीसरी गैस जो है मीथेन। मीथेन
ये मार्स मीन्स दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस है, मार्स मीन्स दलदल होता है, तो दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस, इसीलिए इसका नाम मीथेन रखा गया है, क्योंकि मार्स जो है मार्सली, इसको कहा जाता है मार्सी गैस, या जो है दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इनका रेशियो जो 1:2:1 के रेशियो में लिया गया। आइए एक बार हम एक्सपेरिमेंट को दोबारा जो है रिवाइज करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक जो है एक बनाया है, एक यहाँ पर गोल तेजे का फ्लास्क लिया गया है, एक राउंड प्लेटेड फ्लास्क लिया गया है यहाँ पर, और ये जो राउंड प्लेटेड फ्लास्क लिया गया है, और इस राउंड प्लेटेड फ्लास्क में आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो राउंड प्लेटेड फ्लास्क लिया गया है, इस राउंड प्लेटेड फ्लास्क में यहाँ से वाटर को इंटर किया गया, वाटर को इंटर करने के बाद फिर इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। वाटर को इंटर करने के बाद इसको, इसका टैप जहां से वाटर को इंटर किया गया था, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। अब जब इसको ब्लॉक किया गया तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर को लगाया गया, टेम्परेचर को लगा हीट किया जा रहा है, और ये रेगुलर एक्सपेरिमेंट के 7 डेज तक चलता रहा। कितने डेज तक? 7 डेज तक वाटर को यहाँ पर फिलअप किया गया और टेम्परेचर लगा के इसको हीट किया गया। हीट करने के बाद जब जो वाटर जब बॉयल किया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब वाटर ये बॉयल कर रहा है, वेपर बन रही है, तो वेपर बनने के बाद वेपर को आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वेपर आगे जा रही है, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से इसको खींच करके सारी वैक्यूम जो है इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा एयर थी उनको खींच करके बाहर निकाल लिया गया था, और ये वैक्यूम कर दिया गया था इसके अंदर, ये निर्वात कर दिया गया था, वैक्यूम कर दिया गया था, वाटर को जो है सारी इसके अंदर की गैसेस को खींच करके बाहर निकाल लिया गया। अब यहाँ से जो ये गैसेस जो वेपर बन रही है, वेपर धीरे 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 आगे जा रही है, और ऐसे ऐसे वेपर आप देखिए एक कांच की ट्यूब के द्वारा वेपर आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, और यहाँ पर एक गोले से चैम्बर में आ जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक गोले से चैम्बर में आ जाती है, इस तरह से एक गोला चैम्बर लिया जा रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गोले से चैम्बर में आ गई, यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गए। क्या हो गए? मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गए। कौन कौन सी गैसों के मिश्रण आए? पहले तो आपने देखा कि वेपर लिया गया, जल वाष्प यहाँ पर आ रही है, जल वाष्प के आने के साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी गैसें भरी गई? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को भरा गया, और किस रेशियो में भरा गया? 1:2:1 के रेशियो में फिलअप किया गया। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पहले वाटर फॉर्म था, उस वाटर को लिया गया, चाहे वो पॉन्ड्स वाटर हो या सी वाटर हो, उस वाटर को लिया गया है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि पूरी तरह से ये जो प्यूरिफाइड वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमने किसी भी वाटर को लिया जो अनप्यूरिफाइड था, हैंडपंप से वाटर को ले लिया, या पॉन्ड से वाटर को ले लिया, पूल से वाटर को ले लिया, ड्रेन से वाटर को ले लिया, डिचेस से वाटर को ले लिया, स्लो फ्लो रनिंग वाटर, रिवर से वाटर को ले लिया, कहीं से भी हमने वाटर को लेकर इसके अंदर स्टोर कर दिया, भर दिया, और फिलअप करने के बाद इसको हम हीट कर रहे हैं। अब ये हीट हो रहा है, हीट होने के साथ साथ ये जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे इसकी वेपर आगे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर पहुंच रही है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले से ऑलरेडी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, कितनी गैस है? 3 गैसें हैं। कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, ये 3 मुख्य गैसें यहाँ पर आ रही पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2 इलेक्ट्रोड लगाए जा रहे हैं, इनका नाम हमने दिया है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, और ये इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड लगाए जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इनको हाई करंट सेंसिटिविटी से ले जाकर के जोड़ दिया गया। इनका वोल्टेज जो था उस समय लगभग जो है इनके बीच के वोल्टेज को, दोनों करंट दोनों वायर के बीच के वोल्टेज को मैक्सिमम जो है ये हाई करंट सेंसिटिविटी फ्लो की गई, अप्रॉक्सीमेट जो है 24,000 जो है इतने 24,000 वोल्ट की जो है इसमें फ्लो की गई, और कहीं कहीं पर यह बिल मिलता है इसमें 11,000 वोल्ट से करंट को फ्लो किया गया। तो इसमें जो भी करंट फ्लो किया गया, मैं कहता हूं कि इसमें कम ही करंट फ्लो किया, 240 वोल्ट का करंट फ्लो किया गया, लेकिन ऐसे इतने हाई वोल्टेज के करंट को फ्लो किया जा रहा है जो कि इनको एक दूसरे के करीब नहीं ला रहे हैं। वायर को एक दूसरे टच अगर करा देते तो आप ध्यान देंगे कि यहां से इस वायर से इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो जाएगा, लेकिन वायर को टच नहीं कराया जा रहा, एक दूसरे के एकदम समीप ले आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये एक दूसरे के एकदम समीप लेके आएंगे, तो अगर ये मिनिमम वोल्टेज पर भी है
और हाई पावर ऑफ वोल्टेज पर भी है। किसी भी पावर हाई पावर ऑफ वोल्टेज पर है तो थोड़ा सा दूर ही रहेंगे तो इनके बीच स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर तेजी के साथ स्पार्किंग स्टार्ट हो रही है। जब यहाँ पर तेजी के साथ ये स्पार्किंग स्टार्ट हो रही है, अब आपने देखा तेजी के साथ स्पार्किंग स्टार्ट हो गई तो क्या आप देख रहे हैं, रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से वाटर वेपर आ रही है, आगे बढ़ रही है, वाटर वेपर यहाँ पर आई, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाटर वेपर के साथ और कौन कौन सी गैसें हैं, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। कौन कौन सी गैसें, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, ये गैसें आ गई। और ये गैसें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क दो इलेक्ट्रोडों के बीच तेजी के साथ इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप किया तो ये काफी ज्यादा हीट हो जाएंगे, मैक्सिमम हीट हो गए। अब ये हीट हो गए तो ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की कंडीशन आईडिया फ्रेंड इस तरह से तो आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब इस पाइप के टूटने का, इस पाइप के ब्रेक करने का डर है और ऐसी कंडीशन में लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन में देखा गया कि यहाँ पर एक कूलिंग एजेंट लगाया गया जिसको कहा गया लीविक कंडेंसर। क्या बोला गया, लीविक कंडेंसर। एक कंडेंसर लगाया गया जिसमें एक साइड से वाटर जो है, ये एक साइड से वाटर जो है आ रहा है, एक साइड से जल इसमें आ रहा है और दूसरी साइड से वाटर जो है इसमें निकल रहा है। तो आपने देखा कि एक साइड से वाटर जो इसमें इंटर कर रहा है, दूसरी साइड से वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है। अब एक साइड से वाटर आया और यहाँ से वाटर दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है। अब इस नलिका को आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप बड़ा कर सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको बड़ा कर सकते हो उतना ज्यादा आपने बढ़ा दिया, अर्थात ये कंडेंसर आप जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा लगा सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप बड़ा कंडेंसर लगाएंगे उतनी हाई एरिया को, उतने मैक्सिमम एरिया को ये ग्लास पाइप को ये ठंडा करेगा। तो आपने देखा कि ये ग्लास पाइप को यहाँ पर क्या कर दे रहा है, यहाँ पर गैसों को जो हीट हुई थी, वाटर जो हीट हुआ था, वो वाटर हीट होकर वेपर में कन्वर्ट हुआ था, उस वेपर के साथ इन्होंने अपना मिक्सचर बना लिया। किसने बना लिया, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपसे इस पर क्वेश्चन एनालाइज करूंगा, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारे टॉपिक पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन ये गैस है और उसी के साथ वाटर जल लिया गया और वह वाटर वेपराइज हुआ और यहाँ पर एक मिक्सर ऑफ गैसेस आए और मिक्सर ऑफ गैसेस को हमने हीट किया। जब मिक्सर ऑफ गैसेस को हीट किया गया और हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक को फ्लो करके, हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक को फ्लो करके इन इलेक्ट्रोडों के बीच हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक को फ्लो किया गया और इलेक्ट्रोडों को टच नहीं करा जा रहा है बल्कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखा जा रहा है। जब ये थोड़ी दूरी पर रखा गया तो जो है स्थिति ये निकलती है कि ये वाटर की वेपर और ये मिक्सर ऑफ गैसेस ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गए। जब स्पार्किंग होगी, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होगी तो यहाँ पर तेजी के साथ क्या करेंगे, तेजी के साथ स्पार्किंग स्टार्ट करेंगे जिससे कि कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात किसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन माय डियर फ्रेंड स्टार्ट होगा तो इन्हीं गैसों का कॉम्बिनेशन होगा और वाटर की वेपर का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर वाटर वाइपर का और इन गैसों का, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, इनके मिश्रण का, इनके कॉम्बिनेशन का और यहाँ पर वाटर वाइपर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। और जब ये वाटर वाइपर का कॉम्बिनेशन होगा तो काफी ज्यादा हीट हो जाएंगे और ये हीट होने के बाद गैसेस आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कूलिंग एजेंट लगाया गया, इनको ठंडा कर रहा है, यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया, एक साइड से वाटर आ रहा है, दूसरी साइड से वाटर बाहर निकल रहा है। अर्थात ये देखिएगा यहाँ पर आने के बाद वाइपर जो है वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पर देखिएगा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर ये इसको ब्रेकर लगाया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये ब्रेकर लगाया गया है, इसको टोटी बोला जाता है, टैप बोला जाता है, इसको टैप बोला गया, ये टैप लगाया गया है, टैप लगाया गया है, इस टाइप के द्वारा जो है इसको कस दिया गया, टाइट कर दिया गया है, सारे ऑपरेटर्स को ग्रीस लगा करके फुल्ली एयर टाइट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें से किसी प्रकार की कोई गैस बाहर ना निकलने पाए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर किसी भी प्रकार की कोई गैस बाहर नहीं निकलने पा रही है तो यहाँ पर आपने देखा टैप लगाया गया और इस टैप के थ्रू आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये गैस आगे जा रही है, मिक्सर ऑफ गैसेस आगे आ रही है और जब ये मिक्सर ऑफ गैसेस आगे आ रही है फिर से पहुंच गई जहां से चली थी। ऐसे ही ये लगातार इस तरह से आगे बढ़ती गई और ये वर्क होता रहा, फिर ये आगे आते गए, फिर यहाँ पर मिक्सर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर कंडेंसर इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट 7 डेज रन करते रहे। कितने डेज, 7 डेज रन करते रहे और 7 डेज रन करने के बाद
सात दिनों तक लगातार क्रिया करने के बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट को ड्रॉप किया गया, बंद कर दिया गया, अर्थात हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क यहां पर ये बंद कर दिया गया। जब हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क को बंद किया जाएगा तो हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क को बंद किया जा रहा है, और हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क को बंद किया गया तो बंद करने के पश्चात आप देखिएगा क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अब ये इस तरह से क्रियाएं इसकी चल रही हैं। हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क को बंद कर दिया गया, और जब ये बंद कर दिया गया तो बंद कर देने के पश्चात अब इसको ऐसे छोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी ब्रेक नहीं किया जा रहा है, ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। जहां पर ग्रीस लगाए गए हैं सबको पूरी तरह से एयर टाइट ऐसे करके छोड़ दिया गया। जब यह देखा गया कि वाटर पूरी तरह से ठंडा हो गया तो ये 3 to 4 days इसका वेट किया गया, 3 to 4 दिन तक इसका इंतजार किया गया, और ऐसे ही तब उसके बाद इनके जो है ढीला कर दिया गया, इनके एपरेटस को कांच का जो एपरेटस है इसको ब्रेक किया गया, तोड़ा गया, और इस वाटर का जो है ऑब्जर्वेशन किया गया। तो क्या देखा गया, इस वाटर में जो एक ऐसे जेली लाइक संरचना मिली, अर्थात इस स्टोरिंग वाटर में एक जेल के समान संरचना मिली, न कि ध्यान दीजिएगा बहुत ही लिक्विड बेस्ड स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा सा वाटर से सॉलिड है, वाटर से उसका जो है कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई है, ऐसे जो है ऐसे ड्रॉपलेट्स यहाँ पर मिलना स्टार्ट हुए, ऐसे ड्रॉपलेट्स यहाँ पर ये मिलना स्टार्ट हो गए। अब ये ड्रॉपलेट्स मिलना स्टार्ट हो गए, अब इन्हीं को लेकर के ये बाहर निकाला गया, और बाहर निकाला गया तो ये देखा गया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। माय डियर फ्रेंड, अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो यही जो है क्वेसरवेट्स है, इन्हीं को कहा गया कि ये क्वेसरवेट्स है, क्योंकि इन्हीं के डेवलप करने के बाद प्रोकैरियोट बन जाती है। तो यहां पर स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट रहा 1953 का, इन्होंने जो अपना स्टैनले मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया, इनके इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि जो रुका हुआ पानी था जो जलाशयों में समुद्रों में पानी रुका हुआ था वहां पर ये जो है क्वेसरवेट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्वेसरवेट्स मैंने आप बता दिया, जब ये इनका माइक्रोस्कोपिक विजन किया गया, जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो माइक्रोस्कोपिक विजन करने के बाद इसको कहा गया कि यही क्वेसरवेट्स हैं। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। क्वेसरवेट्स जो है ये प्रोकैरियोट की सबसे प्रारंभिक इकाई होते हैं। तो आपने देखा यहां पर क्वेसरवेट्स इस तरह से अब ये क्वेसरवेट बन गए, और क्वेसरवेट के बनने के पश्चात अब आइए हम अपना अगला टॉपिक लेकर चलते हैं आपको। तो इस तरह से अब आपने क्या देखा, अब आपने देख लिया इस तरह से क्वेसरवेट्स का फॉर्मेशन हो गया। मींस एक ऐसी, यहां पर ध्यान से देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ऐसी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह से एक ऐसी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है जो एक लेमा के द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है, एक लेमा के द्वारा ये कवर्डेड है, एक झिल्ली के द्वारा ये घिरा हुआ है। जब ये झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है तो झिल्ली के अंदर जो है ये लिक्विड फिलअप हुआ है, ये झिल्ली के अंदर ये द्रव भरा हुआ है, और जब लिक्विड झिल्ली के अंदर ये द्रव भरा हुआ है इसी का नाम मैंने रखा ये क्वेसरवेट्स है। क्या है? क्वेसरवेट्स है, जल से थोड़ा सा भिन्न है, पानी से थोड़ा सा अलग है। अब इनको बाहर निकाल लिया गया और इनका जो डेवलप किया गया, इनके विषय में जब स्टडी की गई देखा गया दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स, यही कहा गया कि प्रोकैरियोट है। अब आप देखिए इसमें ना तो कोई न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ना तो कोई सेलुलर्स दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो मटेरियल बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो इस तरह से पूरी कोशिका में इस तरह से फैले, पूरी लेमा के अंदर, ये लेमा हो गई, यानी हमें लेमा हो गई। तो यहां पर लेमा जो हुआ, लेमा मीन्स होता है झिल्ली, लेमा मीन्स होता है झिल्ली। अब इसी झिल्ली के अंदर ये पूरी तरह से पैक्ड है। क्या है? पैक्ड है इसी झिल्ली के अंदर। अब जब ये इसी झिल्ली के अंदर पैक्ड हो गए, पूरी तरह से बंद हो गए इसी झिल्ली के अंदर, अब ये क्या करेंगे? अब इनको जो है ये डेवलप करेंगे। माय डियर फ्रेंड, पहले प्रोकैरियोट बनी, अब इसके बाद इस डेवलप करने के बाद यूकैरियोट में कन्वर्ट होंगे। जब यूकैरियोट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देखिएगा इस तरह से एक नई सेल की उत्पत्ति कर रहे हैं, इस तरह से एक नई कोशिका की उत्पत्ति कर रहे हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी पूर्वक आप इसको देख सकते हैं, इस यहाँ से यहाँ पर आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नई नई कोशिकाएं बन रही है यहाँ से, इस तरह से
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक थ्री लेयर की बन रही है, एक इक्टोडर्म, एक इंडोडर्म, एक मीजोडर्म, एक बाहरी परत, एक मध्य की परत, एक अंदर की परत। इस तरह से तीनों पर तीन परतों की बनी हुई कोशिका हो गई, जिसमें हमने कहा इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इक्टोडर्म उसे कहा जाएगा जो इक्टो मींस होता है आउटसाइड, इंडो मींस होता है अंदर की तरफ, और मीजो मींस होता है मिडिल में। तो जो बाहर की साइड की होगी इसको इक्टो कहा जाएगा, इक्टो जो मिडिल में होगा इसको मीजो कहा जाएगा, और जो अंदर साइड होगा इसको इंडो कहा जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान, ENDO इंडो कहा जाएगा। इस तरह से आप ध्यान देंगे इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, इक्टो जो इक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस, इंडोडर्मिस। इक्टो लेयर मींस बाहर की परत, मिडिल परत को मीजोडर्मिस, अंदर की परत को इंडोडर्मिस, अर्थात तीन परतों की, तीन झिल्लियों की। ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, एक बाहरी परत, आंतरिक परत और बाहरी परत, मध्य की परत और आंतरिक परत, इन तीन परतों से बनी हुई, इन तीन परतों से घिरी हुई ये जो है एक कोशिका बन जाती है, जो प्रोकैरियोट के बाद बनती है। और ये जो है कोशिका बनने के बाद जिसमें इसका न्यूक्लियस बनता है, अब ये न्यूक्लियस आपने देखा किसका, ये न्यूक्लियस बन गया इस तरह से। अब इसका जो न्यूक्लियस बना इस तरह से आपने देखा, अब ये न्यूक्लियस जो बन गया, अब इसी न्यूक्लियस में आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं, यहाँ पर ER बन रहा है, और यहाँ पर गॉल्गी बॉडी इस तरह से बन जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर ये गॉल्गी बॉडी बन गई, और ये गॉल्गी बॉडी इस तरह से बनते चले जा रहे हैं, गॉल्गी बॉडी बनते चले जा रहे हैं, ये माइटोकांड्रिया हो गए। कहने का ये रहा, कहने का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग ये रही, ये सिंपल सी मीनिंग ये रही कि अब प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट का फॉर्मेशन हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, जब प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट का फॉर्मेशन हो गया तो यूकैरियोट का डेवलपमेंट होगा, यूकैरियोट का डेवलपमेंट होगा। अब यूकैरियोट के डेवलपमेंट के पश्चात आप देखेंगे कि इसमें से वो जो है मल्टी सेलुलर एनिमल्स बनेंगे। प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर एनिमल्स बन गए, अब जो है यूकैरियोट से मल्टी सेलुलर एनिमल्स बनना शुरू हो गए। और जब ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स बन रहे हैं, मल्टी सेलुलर मीन्स कई कोशिकाओं के, मल्टी मीन्स कई, सेलुलर मीन्स सेल, कई कोशिकाओं के, बहुकोशिकीय संरचनाओं के यहाँ पर यौगिक बने। तो बहुकोशिकीय संरचनाएं बनी, ऐसे ऐसे जीव बने जिनके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं थी। अब इन्हीं जीवों के से यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसको स्टैनले मिलर ने, मैंने अभी अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने क्लियर करके बता दिया। जो एक्सपेरिमेंट का फिगर आपने देखा या स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्लियर कर दिया कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। तो माय डियर फ्रेंड, अब इस तरह से आपने देखा कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, तो मैंने इस सारी विशेषताओं को, सारे जो है स्थितियों की विवेचना मैंने कर दिया। अब आइए थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं कि हमारा विकास कब हुआ। अब हम आइए डिस्कस करते हैं कि हमारा भी विकास हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन भी तो हुआ है भाई। अब ह्यूमन इवोल्यूशन कब हुआ, आइए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, आइए इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका ह्यूमन इवोल्यूशन कब हुआ है। अब ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे। तो मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन मैंने दे दिया है। मैंने कहा कि अब हम जो है प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ, यूकैरियोट के बाद ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आइए सबसे पहले इसके हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इसके वर्गीकरण को देखते हैं। इसके वर्गीकरण को देखने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से इसमें जो है एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आइए देखते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स, मैंने कहा ऑर्डर प्राइमेट्स प्रिमिटिव एनिमल्स में आ रहे हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स में आ गया। प्रोसिमी में आते हैं माय डियर फ्रेंड, प्रोसिमी में आएंगे लीमर वगैरह, यू नो लीमर, लीमर को हिंदी में चुनिहार बोला जाता है। और ये लीमर जो है ये डॉग और कैट के बीच का एनिमल है, डॉग और कैट, कैट से जो है बड़ा होता है और इसका प्रोग्नाथस जो माउथ होता है और प्रोग्नाथस होता है, थूथन इसमें निकला हुआ होता है, एडजस्ट लगा एज ए डॉग, जिसको लीमर बोला जाता है, चुनिहार बोला जाता है। तो इस तरह से लीमर की श्रेणी में आया। अब लीमर से ये गजश्रुत श्रेणी संप्रदाय के सदस्य लीमर का डेवलपमेंट हुआ, किसी ने बताया, साइंटिस्टों ने अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने कहा है गजश्रुत श्रेणी संप्रदाय के एनिमल्स से डेवलपमेंट हुआ है वो लीमर का डेवलपमेंट हुआ। तो लीमर आ गए, लीमर के बाद आपने क्या देखा, एंथ्रोपोडिया आ गया।
एंथ्रोपोडिया में आ गए माय डियर फ्रेंड। तो एंथ्रोपोडिया में ढेर सारे जैसे भी एंथ्रोपोडिया में हम लोग बिलोंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी ब्रांच से एंथ्रोपोडिया ब्रांच से हम लोगों का डेवलपमेंट होगा। अब यहां देखिएगा कि ये जो प्रोसिमी आए हैं, प्रोसिमी को थ्री पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। यहां पर किया हमने लेमुरीफॉर्म्स हो गया और लोरसीफॉर्म्स हो गया और डोर्सीफॉर्म्स हो गया। तो इस तरह से लेमुरीफॉर्म्स, लोरसीफॉर्म्स, डोर्सीफॉर्म्स, ये तीन प्रकार से ये हो गए और इनका भी हमने जो है एंथ्रोपोडिया का हमने किया। तो एंथ्रोपोडिया में आ गया, पहला आ गया होमोनिडी, ध्यान दीजिएगा अब होमोनिड में आ रहा है जिसमें हम लोग हैं, हम लोगों का वंश जो है होमो है, जीनस जो है वो जो है होमो है और स्पीसीज जो है वो जो है सेपियंस है, हम लोग होमो सेपियंस में आ रहे हैं। तो हम लोग होमो सेपियंस में आ रहे हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक ये ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूं जो इस करंट टाइम और पीरियड में सरवाइव कर रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, होमो सेपियंस आया। तो ये आज मैं उस मानव की बात कर रहा हूं जिस मानव की कपाल गुहा का 1450 सीसी है। आज मैं उस मानव की का अध्ययन करा रहा हूं आपको जिसकी कपाल गुहा का आयतन जो है वो 1450 सीसी है, 1450 सीसी। सीसी बोला गया क्यूबिक सेंटीमीटर को, घन सेंटीमीटर को। आज हमारी कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी है। हम इस विषय में आज के तब हमारा नाम हुआ होमो सेपियंस। अब आप सोचिए कि ह्यूमन बींग्स किस नेचर में, किस फेज में चल रहा है और हमको अभी कितने डेवलपमेंट करने हैं। हमारे पास जितना ब्रेन है हम टोटल अपने ब्रेन का 10% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर 10-12% यूज कर लेते अल्बर्ट आइंस्टीन सारे लोग हो जाते। तो आज हम अपने ब्रेन का इतना भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर हम अपने ब्रेन का 100% यूज कर ले तो सोचिए एक आदमी कहां पर पहुंच जाएगा, उसका डेवलपमेंट कितना आगे हो जाएगा। तो हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वी आर यूज्ड टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करें, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ब्रेन यू आर यूज्ड। आप अपने ब्रेन का अधिक से अधिक यूज करिए क्योंकि ये ब्रेन ज्यादा कहते आदमी पढ़ते पढ़ते पागल पागल होगा, कुछ नहीं होता क्योंकि अपने ब्रेन का 10% ही 12% ही तो यूज कर रहे हैं, पागल कहां से होंगे। अभी हमारा 90% 80% ब्रेन वैसे बचा हुआ है, 85% 87% ब्रेन ऐसे सेफ बचा हुआ है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं नहीं हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, नहीं, हमारी जो ब्रेन, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 1450 सीसी की कैपेसिटी है, 1450 सीसी की कैपेसिटी है, क्यूबिक सेंटीमीटर की कैपेसिटी है, घन सेंटीमीटर की कैपेसिटी है, क्षमता है, लेकिन उसकी क्षमता का सिर्फ 10% हम यूज कर रहे हैं। तो हम आ गए कहां पर, होमोनिडी में आ गए, 10% ध्यान दीजिएगा होमोनिडी में आ रहे हैं। और होमोनिडी में अभी हम ऐसे आए हैं, अभी हम टेट्रापोडियल थे, टेट्रा अभी चतुष्पदीय थे, चार पैरों पर चलने वाले थे। अब चार पैरों से जैसे मंकी, बंदर, एप मैन, कप मानव, उसको एपमैन बोला गया, कपिमानव बोला गया। हमारे पूर्वजों को कहा गया कि मनुष्य के पूर्वज कौन है, तो कहा जाता है कि मनुष्य के पूर्वज कपि हैं, बंदर हैं। हमारे पूर्वजों को बंदरों की श्रेणी में रखा गया, तो हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो इसलिए कहा गया को चार पैरों पर चल रहे थे, लेकिन आज हम अगर हमारे पूर्वज बंदर, हम दो पैरों पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो अगले दोनों जो हाथ हैं, मैं आज आपको विज्ञान की भाषा में बताना चाहता हूं कि ये दोनों हाथ नहीं है बल्कि ये दोनों अगले पैर हैं। इसको फोर लिम्ब बोला जाता है और पैर को हाइंड लिम्ब बोला जाता है। ये फोर लिम्ब है और पैर जो हमारा हाइंड लिम्ब है। तो इस बॉडी में फोर लिम्ब अभी आज भी वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक एज ए टेट्रापोडियल एनिमल्स। जैसे चतुष्पदीय जीव जिस प्रकार से अभी आज तक अपना लोकोमोशन कर रहे हैं, ऐसे चलते समय हमारा भी हाथ इस तरह से मूवमेंट करता है और ये मूवमेंट ये शो कर देता है कि हम भी कभी 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 टेट्रापोडियल थे, चतुष्पदी थे। तो आज की जो सीरीज है उसमें हम होमो में हैं और अलग अलग स्पीसीज में, माय डियर फ्रेंड, हम अलग अलग स्पीसीज में आएंगे और अलग अलग स्पीसीज में आइए देखते हैं कैसे आएंगे। तो मैंने होमोनिडी कहा, दूसरा है आप ध्यान दीजिएगा सिबोडिया। तो ये सिबोडिया है, सिबोडिया में किस तरह से आया और उसके बाद सिबोडिया के बाद आप देखेंगे जो है सार्कोपिथेकोइडिया, सार्कोपिथेकोइडिया में आया। तो हम आ गए होमोनिडी, ये सार्कोपिथेकोइडिया, ये जो है ये अलग की स्पीसीज, अलग का डेवलपमेंट हुआ है।
और आइडिया में अलग का डेवलपमेंट हुआ है और होमोलिडी में अलग का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम आइए अपने डेवलपमेंट के विषय की बात करते हैं, आइए ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के विषय में कुछ टॉपिकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए कि हम जो है ह्यूमन बींग्स में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कौन कौन से डेवलपमेंट है। तो आइए देखते हैं, मैं कुछ बातों को आपसे विशेष रूप से जो है बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है माय डियर फ्रेंड, वो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। आप लोग ध्यान से नोट करते चलिएगा। तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, आज हमारा ब्रेन ये है 1450 सीसी हो गया, 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। आज हमारा ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप है, हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसको सही कई बार सोचते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास हो गया। डायरेक्टली हम किसी पॉइंट को डायरेक्टली अटैच नहीं करते, डायरेक्टली टच नहीं कर देते, हम पहले उसको सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करने की क्षमता आ गई। किसी जीव को पकड़ना हो किस प्रकार से उसको गैदर किया जाए, किस प्रकार से उसको पकड़ा जाएगा, यह क्षमता हमारे अंदर आ गई। इस प्रकार से यह क्षमता हमारे अंदर आई है तो हमारा ब्रेन जो है 1450 सीसी है, 1450 सीसी है, यह ह्यूमन का ब्रेन है। अगला देखिएगा, इरेक्ट पोस्चर आ गया। अगला हम बता रहे हैं आपको इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट पोस्चर मतलब होता है सीधी खड़ी भंगिमा, सीधी खड़ी भंगिमा, सीधी खड़ी भंगिमा। माय डियर फ्रेंड, अब हम सीधी खड़ी भंगिमा का मतलब आपको बताना चाहेंगे। सीधी खड़ी भंगिमा से क्या मतलब हमारा होता है? सीधी खड़ी भंगिमा का मतलब हो गया कि हम अपने भाई दोनों पैरों पर आसानी से खड़े हो ले रहे हैं, हम अपने दोनों पैरों पर आसानी पूर्वक खड़े हो ले रहे हैं। हमारे दोनों हाथ जो है अग्र पैर जिसको कहा गया, अगला हाथ अगला पैर जिसको बोला गया, ये दोनों चलन के कार्य से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। और अर्थात ये दोनों पैर जो हमारे हैं यही सीधी खड़ी भंगिमा को, यही हमारे पूरे बॉडी बैलेंस को इक्वल बनाए रख रहे हैं। अर्थात पैर हमारे बॉडी बैलेंस को, अगर हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं तो हम जो है गिर पड़ते हैं। लेकिन अगर गिरते हो तो आप इस बात का ध्यान रख, गिरते समय अपने हाथ को कहीं ना कहीं जरूर सहारा लगा देते हैं, टेक लगा देते हैं, पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, उसको टेक कहते हैं, टेक उसको कैच करना, पकड़ना। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस आया सीधी खड़ी भंगिमा के बाद हमारा दूसरा डेवलपमेंट आ रहा है, दूसरा डेवलपमेंट आ रहा है, सीधी खड़ी भंगिमा आ गई, अर्थात हमने जो है इरेक्ट इन नेचर आ गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट रहा है, दूसरा पॉइंट इरेक्ट हो गया, अब हम सीधे खड़े होकर के चलना सीख लिए। माय डियर फ्रेंड, जब हम सीधे खड़े होकर के चलने की कोशिश किए, ऐसी कंडीशन हमारे जो है बॉडी की जो है बोन्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, अर्थात हमारी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। माय डियर फ्रेंड, जब हम टेट्रापोडियल थे ऐसी कंडीशन में आइस की पोजिशन लैटरल साइड में थी, लेकिन जब बाइपोडियल हो गए, द्विपदगामी हो गए, सीधे खड़े होकर चलना शुरू हो किए, हमारी आइज की पोजीशन भी चेंज हो गई। और हमारे ईयर की कंडीशन जो थी, जिससे जो पहले बड़े बड़े ये पिन्ना बड़े बड़े थे, आज ये पिन्ना छोटे हो गए। और स्थिति यह हो गई, पिन्ना भी छोटा हो गया और हम खड़े होकर सीधा चल ले रहे हैं। और हमारा फेशियल जो आप फ्रंटल बोन आप देख रहे हैं, हेड की जो फ्रंटल बोन आप देख रहे हैं, ये बैक साइड में पीछे की साइड में झुकी हुई थी, लेकिन जब हमने अपने जो है शरीर को जो क्लाइमेट के अनुसार अपने को बदलना चाहा, अपने को बदला, तो ऐसी कंडीशन में ये फ्रंटल बोन ये सामने की साइड में आ गई। इसको कहा गया अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क का ये जो भाग आप देख रहे हो, ये फ्रंटल बोन जो आप देख रहे हो, ये फ्रंटल बोन जो आप देख रहे हो, इसको माथा बोला गया। ये जो चिपटा था, ये चिपटा ना होकर के उभरा हुआ आ गया। अब ये माथा जो चिपटा था, ये उभर कर गए, उभरा हुआ हो गया, अर्थात माथा स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके बाद आप देखिए जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन जो फैशियल बोन को इंपॉर्टेंट बोन में आती है, जाइगोमैटिक बोन फैशियल बोन के इंपॉर्टेंट बोन में आती है। अब ये जाइगोमैटिक बोन हमारे फेस को बना रही है, हमारे चेहरे को बना रही है, तो ये जाइगोमैटिक बोन इंपॉर्टेंट बोन जो हमारे चेहरे को बना रही है। इस तरह से जाइगोमैटिक बोन का डेवलपमेंट हुआ। अब जाइगोमैटिक बोन के डेवलपमेंट के बाद आइए देखते हमारे बॉडी में जो है वो पेक्टोरल गार्डिल और पेल्विस गार्डिल, अंश मेखला और श्रोणि मेखला का विकास हुआ। अंश मेखला और श्रोणि मेखला का जो डेवलपमेंट पहले था उससे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो पेल्विस गार्डिल में जो की सेवन बोन्स जो टेल का फॉर्मेशन करती है, तो कंजॉइंट हो गई, एसोसिएट हो गई, और जो टेल थी वो पूरी तरह से डिसअपीयर कर गई। इस तरह से आपने देखा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर टेल्स डिसअपीयर कर जा रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे जो पेक्टोरल गार्डिल में, अर्थात अंश मेखला में, इसका यूज हमने ज्यादा मैक्सिमम पावर में करना स्टार्ट किया। जब इसका यूज हमने मैक्सिमम पावर में करना स्टार्ट किया, तो हम आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं या उसको पुश कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन, अर्थात पुल की कंडीशन करना, पुश की कंडीशन करना, ये दोनों कंडीशन आसानी पूर्वक जो अपने हाथों से कर ले रहे हैं, जो कि हमारे पेक्टोरल गार्डिल से हो रहा है, अर्थात हमारे बॉडी में गार्डिल का डेवलपमेंट हो गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है स्टीर
स्टीरियोस्कोपिक विजन। आइए देखते हैं इसको क्या बोला जाएगा, स्टीरियोस्कोपिक विजन। माय डियर फ्रेंड, स्टीरियोस्कोपिक विजन जिसको हम कहते हैं त्रिविम दृष्टि। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कराइज कर रहा, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्वेश्चन किया कि एक आंख को बंद करके इसको देख रहे हैं तो हम कह रहे कितनी पेन है, बोलेंगे एक पेन है। इसको बंद करके इससे देख रहे हैं, बोले कितनी पेन है, बोला गया एक पेन है। दोनों आंखों से देख कर बोले कितनी पेन है, बोला गया एक पेन है। अरे भाई, एक आंख से देखने पर भी एक ही पेन दिखाई दे रहा है, दूसरी आंख से देख रहे तब भी हमको एक ही पेन दिखाई दे रही है, दोनों आंखों से देख रहे हैं तब भी एक ही क्यों दिखाई दे रही है? यह हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन है, इसलिए दिखाई दे रही है। इसका भी, इसकी भी इमेज वही कैलकुलेट हो रही है, इस आईज से, लेफ्ट आईज से जहां पर इमेज कैलकुलेट हो रही है, राइट आईज से सेम पॉइंट पर इमेज कैलकुलेट हो रही है, और एक ही पॉइंट से जब कैलकुलेट हो रही है, जब हम दोनों आईज को ओपन करते हैं तो यह हमको ऑब्जेक्ट एक ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इमेज का कैलकुलेशन दोनों का एक ही पॉइंट पर हो रहा है, आईज की रेटिना पर हो रहा है, और दोनों रेटिना का सेंटर एक ही होता है। जब दोनों रेटिना के सेंटर एक ही हो गए तो एक ही सेंटर पर जो है इस ऑब्जेक्ट का की इमेज का कैलकुलेशन हुआ। ऐसी कंडीशन में आप देखिए, आपने देखा, इसको बोला गया स्टीरियोस्कोपिक विजन अर्थात त्रिविम दृष्टि। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप देखा त्रिविम दृष्टि का विकास हुआ, बाइपोडियल लोकोमोशन हो गया, और कैनाइन जो हमारे इंसाइजर जो हमारे बड़े बड़े थे, फाड़ने वाले दांत जो साइड के जो काफी बड़े बड़े थे, कैनाइन जो है हमारे जो है और इंसाइजर, इनकी साइज, कैनाइन और इंसाइजर की साइज छोटी हो गई, प्रीमोलर और मोलर जो है ज्यादा मात्रा में थे, प्रीमोलर और मोलर जो है छोटे हो गए, नंबर में वो इक्वल है, नंबर पहले जितना था नंबर अब भी उतना ही है, सिर्फ शेप और साइज में जो है कमी आई है, उनके शेप और साइज ज्यादा डेवलप किए हुए थे, और आज के विषय में आप देख रहे हैं शेप और साइज का डेवलपमेंट कम हुआ है। इस तरह से आपने देखा शेप और साइज में आया। तो मैंने आपको कई टॉपिक अपने बॉडी के अंदर बताया जो इवोल्यूशन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कई मैंने जबड़ों की स्थिति बताया, यहाँ पर ऊपरी जबड़ों को यहाँ पर जो है मैक्सिला बोला जाता है, इसको मैंडिबल बोला जाता है, ठुड्डी को मैंडिबल बोला जाता है, मैंडिबल मोबाइल होता है, मैक्सिला स्टेबल होता है, ऊपरी जबड़ा स्थायी होता है, निचला जबड़ा जो है यह गति करता है, इसको मैक्सिला कहते हैं, इसको मैंडिबल कहते हैं। तो ये मैक्सिला जो है मैंडिबल ये काफी भारी थे, निचला जबड़ा भारी होने की वजह से जो है आदमी का चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ था। ऐसी कंडीशन में ये सारी की सारी पोजीशन जो है ये आज के मानव में नहीं देखने को मिलती है, अर्थात जो होमो इरेक्टस थे वो होमो हैबिलस में आए, जो होमो हैबिलस थे उनका डेवलपमेंट हुआ तो होमो सेपियंस में आए। तो आपने देखा इरेक्टस से आए, हैबिलस में आए, सेपियंस में आए, अब होमो फ्यूचरिस में जाएंगे, भविष्य का मानव जो होगा होमो फ्यूचरिस होगा। तो इस तरह से ह्यूमन के डेवलपमेंट की हिस्ट्री ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री को अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसके डेवलपमेंट को वहां पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट आप डालेंगे तो उसमें पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव का विकास किन किन चरणों में किस किस प्रकार से कैसे कैसे हुआ है ये टोटल मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और यह मैं आज का जो टॉपिक दे रहा हूँ शीर्षक जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कौन कौन से सिम्टम है जो डेवलप कर शो कर देते हैं, जैसे हमारे बॉडी की जो है निक्टिनियस मेम्ब्रेन जो आज में यहाँ पर निमेशक पटल पाई जाती है लाल कलर की, या भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जा रही है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अपेंडिसाइटिस जो पाया जा रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जा रहा है। ये पहले वर्कफुल थे, इनका फंक्शन था, लेकिन आज क्या है ये वो फंक्शन लेस हो गए, कार्य विहीन हो गए, इनका कार्य नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में क्या हमने देखा, ऐसी कंडीशन हमने देखा कि हमारे सब कुछ होते हुए हमारे अंदर जो जितनी भी ये परिवर्तन हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमको विकास की श्रेणी में ले जाते हैं, विनाश की श्रेणी में नहीं ले जाते। माय डियर फ्रेंड, अगर कोई सिम्टम हमको विनाश की श्रेणी में ले जाता तो आज हम और आप इस कंडीशन में न पहुंचे जिस कंडीशन में आज हम और आप डेवलप कर रहे हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को इस विषय में डेवलपमेंट के, ह्यूमन के डेवलपमेंट के विषय में आपको बता दिया, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो जब हम आपको स्केलेटल सिस्टम, हम आपको ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम आपको जब पढ़ाएंगे वहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में बोन का डेवलपमेंट कब कहाँ और कैसे हुआ है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। टीथ का डेवलपमेंट ऑलरेडी आप लोगों को देख ही लिया है, मैंने बता दिया है प्रीमोलर है, मोलर है, इंसाइजर है, कैनाइन है, तो ये प्रीमोलर एकदम लास्ट साइड में है, मोलर लास्ट साइड में है, उसके बाद प्लीमोलर है, और उसके बाद जो है इंसाइजर है, फिर कैनाइन है। तो कैनाइन आपने देखा इस तरह से काटने के दांत अलग हैं, फाड़ने के दांत अलग हैं,
तो टुकड़ों में विभाजित करने वाले दांत अलग है, और आपने देखा कि जब टुकड़ों में विभाजित हो जा रहा है, ऐसी कंडीशन टुकड़ों में विभाजित हो गया, फिर उसका पीसने वाले दांत अलग हैं। तो इस तरह से दांतों का भी विकास हुआ है, हमारे कर्णों का भी विकास हुआ है। इससे पेशियां जो है कर्ण को मूवमेंट के लिए यूजफुल थी, आज हम आसानी पूर्वक अपने वहां पर अपने हाथों का यूज कर ले रहे हैं, इसलिए वे वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारे बॉडी में आज भी पाई जा रही है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने आज के टॉपिक को, आज के शीर्षक को आपने देखा, मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ भी क्लियर किया और ह्यूमन इवोल्यूशन के एक बेसिक नॉलेज को बताया। क्योंकि अगला टॉपिक ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे अगले टॉपिक को जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन का यदि आपको पढ़ना हो, आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर जाकर के ह्यूमन इवोल्यूशन डालेंगे, तो उसमें ह्यूमन के इवोल्यूशन की पूरी श्रेणी आपके सामने आ जाएगी। तो मैं अलीमुद्दीन से कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन से कादरी के साथ मैं आज आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर यहां पर जो है आप सभी से विदा लेता हूं, और अपना नेक्स्ट का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट डे पर जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।